हाउ टू मेक शाही पनीर इन इंस्टेंट वे। चलिए गाइस, शाही पनीर को बनाना शुरू करते हैं। तो शाही पनीर का मसाला बनाना है सबसे पहले तो हमें, तो यहाँ मैंने रख लिया एक कढ़ाई। गाइस सबसे पहले तो मैं इसमें ऐड करूंगी 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल के। तो यहाँ मैं अपना ऑयल डाल देती हूँ कढ़ाई में। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं तेज पत्ता। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बादाम, हल्का सा हम इसको फ्राई कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें काजू भी ऐड कर सकते हो। तो जैसे ही हमारा हल्का फ्राई हो जाए, हम इसमें अपने प्याज, अदरक और लहसुन ऐड कर देंगे। प्याज की क्वांटिटी मैंने 2 लिए हैं। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं जिनको ऐसे मोटा मोटा कट कर लिया है। और यहाँ मैंने लहसुन लिए हैं, 7 से 8 तुरियां लहसुन की ली है मैंने। और अदरक यहाँ मैंने थोड़ी सी ही ली है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अपने टमाटर। टमाटर यहाँ मैंने 2 लिए हैं और यहाँ मैंने इसको ऐसे मोटा मोटा कट कर लिया है। अब हम इसको 2 मिनट तक ऐसे ही हल्का फ्राई कर लेंगे। जब हमारा तड़का हल्का सा फ्राई हो जाए, हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पानी। यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया है। पानी मैंने इसलिए ऐड करा है कि जो हमारे टमाटर हैं वो थोड़े से नरम हो जाए। अब मैं इसको एक लिड से कवर कर देती हूँ। अब हम इसको 5 मिनट के लिए सिंपल ऐसे ही रख देंगे। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल चुकी हैं। अब हम गैस का फ्लेम इस स्टेज पे ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें से तेज पत्ता निकाल देंगे और इस तड़के को ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही तड़का हमारा ठंडा हो जाएगा, हम इसको मैश कर लेंगे। सो गाइस, जो हमारा पेस्ट टमाटर का तड़का था, हमने उसको मैश करके छान लिया है। तो यहाँ मैं अब ग्रेवी बनाने के प्रोसेस में चल रही हूँ। तो यहाँ मैंने एक पैन रखा है। अब हम इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जीरा। फिर इसमें ऐड करेंगे 2 टुकड़े दालचीनी के। अब हम इसमें ऐड करेंगे छोटी इलायची। अब हम इस तड़के को हल्का फ्राई कर लेंगे। अब हम अपने ऐड करेंगे नमक। तो यहाँ मैं 1 चम्मच नमक ले रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। ये सब कुछ हमारे जो मसाले हैं वो जल ना जाएं, इसलिए हम गैस का फ्लेम अपना सिंपल ही रखेंगे। अब हम अपनी प्यूरी ऐड कर देंगे, टमाटर प्याज की जो भी हमने मैश की है। तो मैं सारी अपनी कढ़ाई में डाल देती हूँ। अब हम इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ सारे। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही सिंपल छोड़ देंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देती हूँ सूखा धनिया, इससे काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। अब हम इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ी ग्रेवी बनाने के लिए मैं इसमें यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। मुझे ग्रेवी पसंद है तो यहाँ मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। 5 मिनट के लिए इसको सिम फ्लेम पे हम पकने के लिए रख देंगे। यहाँ मैं इसको एक ऐसे लिड से कवर कर रही हूँ। जब तक इसमें थोड़ा सा उबाल नहीं आ जाता, हम इसको ऐसे ही गैस पर सिम फ्लेम पे ही रखेंगे। अब हमारा तड़का एकदम रेडी हो चुका है। इसमें हम ऐड कर देते हैं 1/2 चम्मच गरम मसाला। ग्रेवी बनके हमारी एकदम रेडी है। इसमें हम ऐड कर देंगे अपने पनीर क्यूब्स। हम इसको 2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे। अब हम अपनी दालचीनी को ऐसे निकाल लेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप है मलाई का। आप इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हो। यहाँ मैं 1 चम्मच मलाई ऐड कर रही हूँ। सो गाइस, यहाँ जो मैंने पनीर क्यूब्स डाले हैं, यहाँ मैंने विदाउट फ्राई डाले हैं। आप चाहो तो फ्राई करके भी डाल सकते हो। मुझे बिना फ्राई करे वाले ही पसंद थे। सो गाइस, हमारा शाही पनीर बनके एकदम रेडी हो चुका है और आप देख रहे हो इसकी लुक्स भी एकदम डिलीशियस आ रही है। तो अब मैं इसको एक छोटी सी कटोरी में निकाल लेती हूँ। सो गाइस, यहाँ मैंने अपनी शाही पनीर को ऐसे एक कटोरी में सर्व कर लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रही है, टेस्टी लग रही है। अगर आज की आपको हमारी शाही पनीर इजी एंड सिंपल रेसिपी पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी गाइस आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।